जितने भी भारत के अंदर हिंदुओं की हत्याएं होती हैं या गैर मुसलमानों की हत्याएं होती हैं उसकी जड़ में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कल कन्हैया लाल जी को मार दिया, ऐसे कन्हैया लाल अनेकों 1500 वर्ष से मारे जा रहे हैं। हम कब तक प्रोटेक्शन करते रहेंगे लोगों को, कब तक गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन करेगी? चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी कानून लेकर के आए, इस टाइप का कानून लेकर के आए कि जितने मौलवी हैं चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जो भड़काऊ भाषण देता है उसको तुरंत उठा करके परमानेंट उसको जेल में डाल देना चाहिए। पैसा आता है जब तक वो आखिरी काफिर को यानी कि गैर मुस्लिम को मुसलमान में कन्वर्ट नहीं कर देते। गजवाए हिंद का उनका यही नारा है और उसी के तहत वो काम करते हैं। ना तो बीजेपी पार्टी खाने को दे रही ना कांग्रेस पार्टी खाने को दे रही, लेकिन कम से कम उसके साथ तो रहो, उस पार्टी के साथ तो रहो जो हिंदुत्व बचाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने ही देश में अपने ही राजस्थान को एक तालिबान बना रहे हो। किस लिए इकट्ठा हुए आप? हम लोग, मैं अपने भाई कन्हैया लाल जी की श्रद्धांजलि देने के लिए, हमारे सारे भाई हिंदू भाई इकट्ठे हुए हैं और अभी जितना भी कुछ होगा हम इकट्ठे होंगे। हिंदू अब सोया नहीं है, हिंदू जगा हुआ है, हिंदू भाई हमारे एक शांत है, शांत में सब कुछ होता है। मगर ये शांत नहीं होता जब ये जगता है ना, जैसे शेर है आराम से सोता है जंगल में, जब इसको कोई छेड़ता है ना तो जो जो आता है ना, आजा भाई तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा। तो अब हिंदू तो वही है कि जो भी आया ना आ जाए, वहाँ पे हुआ है ना, कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने फ़ायदा उठाया ना, मगर उन्होंने ये नहीं देखा कि कन्हैया लाल किसी का बेटा होगा, उसकी क्यों हत्या की गई। कल को उनके बेटे की हत्या होती तो क्या वो ऐसा करते? अभी कहते जी उनको जेल में डाल दिया गया, तो जेल में डालने का क्या फ़ायदा हुआ? जेल में डालने का फायदा जब हो, जब और जैसे लोग रहते हैं नीचे फर्श पर सुलाते हैं, वो करते हैं, खाना वैसे ही देते हैं, वो देना इनको तो VIP खाना जाता है। ये है कि कन्हैया लाल ने ग्वार भी लगाई थी पुलिस से, उनको धमकियां मिल रही थी लेकिन राजस्थान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। धमकियां वो तो धमकी वो तो उनकी हत्या थी, बोल रहे थे कि मेरी हत्या होगी, तो वहाँ की पुलिस तो ले ही नहीं रही थी, उसको हल्के में ले लिया, जबकि स्कूटी देती, अगर थोड़ी और स्कूटी बढ़ा देती आज मेरा भाई कन्हैया लाल जिंदा होता, वो आज उसकी ये हाल नहीं होती। आ जाए दिल्ली में, चलो बुला लो उसको, जितनी भी है सरकार जो है ना वहाँ की, साले बुजदिल है, बुजदिल सरकार है, एक्शन क्यों नहीं लिया? उसकी हटाई क्यों, ये जो स्कूटी है क्यों हटाई गई? कल को उनका बच्चा होता उनके ऊपर होता कि भाई वो किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं? हत्यारे गिरफ्तार हो चुके हैं, हत्यारे गिरफ्तार हो गए, एज ए फॉर्मेलिटी वो दे दे, पब्लिक को दे देना। जेल में जाना है ना, हम भी जाने को तैयार हैं, जेल में जाने को तैयार है, मैं अकेली जाने को तैयार हूँ, कर दे मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, भाई था मेरा, ठीक है ना। सवाल ये है कि जब हाथरस कांड होता है, उसकी अखिलेश अखलाक की हत्या हो जाती है, तबरेज की हत्या, तब तो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा भागते हुए जाते हैं, लेकिन उनकी सरकार है राजस्थान में, वो क्यों नहीं गए? जाएंगे क्या वो क्यों जाएंगे? वो तो खुद मुसलमान है ना, तो राहुल गांधी क्या मुसलमान नहीं है? वो तो कहते हैं मैं पंडित हूँ। वो तो भैया वो तो अपना तुलसी माला भी डालेगा, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे टोपी डाल लेगा, वो पप्पू भाई तो सब कुछ करेगा, तो ये पप्पू भाई दिल्ली में कर लेना, जो बनेगा तो वहाँ भी चला जाएगा, मंदिरों में चला जाएगा, फिर वो वहाँ जाके मस्जिद में कहेगा नहीं है, तो कहाँ से पप्पू भाई कहाँ पे हिंदू आ? हिंदू जो होता है ना मर जाता कट जाता, वो अपना धर्म, जो कट्टर हिंदू होगा वो अपना धर्म नहीं बदलेगा। चलिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मैं लगा के रखो, मैं कार्रवाई चाहता हूँ कि हम कब तक प्रोटेक्शन करते रहेंगे लोगों को, कब तक गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन करेगी? चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी कानून लेकर के आए, इस टाइप का कानून लेकर के आए कि जितने मौलवी हैं चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जो भड़काऊ भाषण देता है उसको तुरंत उठा करके परमानेंट उसको जेल में डाल देना चाहिए। और ये कानून लाना बहुत ज़रूरी था, जब तक कानून हमारा टाइट मजबूत नहीं होगा, सख्त नहीं होगा, तब तक ऐसे ही गर्दन कटती रहेंगे। तो प्रधानमंत्री को भी धमकी देते हैं कि चाकू तेरी गर्दन तक पहुंचेगा, क्या चाहते हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट को ऐसी कानून बनानी चाहिए कि इस तरीके के बोलने वाले लोगों को
इमारत में जो होता है बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए, सबके लिए कानून बराबर हो, कोई किसी को सरिया की सरिया कानून की मांग करते हैं, सरिया कानून की सजा मिलनी चाहिए क्या उन्हें? बिल्कुल उसी तरीके की कानून को सजा उनको मिलनी चाहिए, उन्हीं को नहीं। मैं मिजोरम सिर्फ मुसलमानों को नहीं बोलता हूँ, मैं हिंदुओं को भी बोलता हूँ, जो गलत देश के बारे में बात करता हो, लोगों को मारने की बात करता हो, उसको इस तरीके का कानून, जब तक कानून सख्त हमारा नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे, ऐसे ही प्रोटेक्शन दिलाते रहेंगे, गवर्नमेंट भी कब तक किसी को प्रोटेक्शन देगी? क्या कहेंगे आप, क्या कहें, नुपुर शर्मा के समर्थन करने पर कन्हैया लाल की गला काट कर हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े? देखिए हमें, मेरा नाम मधुसूदन होलकर, मैं इतिहासकार हूँ और मैंने इस्लामिक हिस्ट्री को बहुत पढ़ा है गहराई से। जितने भी भारत के अंदर हिंदुओं की हत्याएं होती हैं या गैर मुसलमानों की हत्याएं होती हैं, उसकी जड़ में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कल कन्हैया लाल जी को मार दिया, ऐसे कन्हैया लाल अनेकों 1500 वर्ष से मारे जा रहे हैं। इस्लाम का उदय ही काफिरों के कत्ल वाजिब कत्ल लिखा है और ये उसी के तहत काम करते हैं। जिनकी किताबों में ये लिखा है कि काफिर का जहन्नुम की आग में जलने के लायक है, उसे मारने में जन्नत नसीब होगी। आपको हज यात्रा ना करो, लेकिन एक काफिर को यदि तुम इस्लाम के अंदर लाते हो, मुसलमान बनाते हो, तुम्हें सवाब लगेगा। और आपने एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ आपको कि जो आपने देखा होगा, जो कल जो कन्हैया भाई की जो हत्या की गई है, उसको मारने का जो तरीका था, आपने विदेशों में देखा ISIS जो उनको अपने विरोधियों को मारता था, उसको भगवा कपड़ा पहना के केसरिया रंग होता था, और जबकि उनके पास बंदूकें होती थी, उससे बंदूक के उनकी हत्या नहीं करते। वो जो छुरा कल दिखाया गया, उन्होंने जो कन्हैया को मारा है, सीधा सीधा डायरेक्ट हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो ये हत्या हुई, ये एक मामूली हत्या मत समझे। और मामूली छुरे आपने देखे हैं, ये समझ लो इस भारत के अंदर ISIS की आपके घर के चौखट तक एंट्री हो चुकी है। और यहाँ का जो मुसलमान है, कुछ को छोड़ दो, आटे में नक माँग के बराबर जो राष्ट्रवादी है, वरना इनके टोटल मुसलमान अपने इस मुसलमानों को जो जिहादी टाइप के हैं उनका मनोबल बढ़ाते हैं। और मुझे ये पता लगा है कि इनके जो नमाज पढ़ी जाती है, जो तकरीर होती है शुक्रवार को, उसके अंदर लास्ट के अंदर नमाज के बाद ये बोलते हैं, या खुदा हमें इतनी ताकत फरमा कि हम कुफ्र काफ्रीन को दुनिया से मिटा सके। बताइए भाइयों, दुनिया के अंदर कोई ऐसा धर्म है जो दुनिया में दूसरे को जीने का अधिकार नहीं देता है? इस्लाम के अंदर ऐसे ही नहीं 59 देश बन गए, जबकि आप इतिहास पढ़ के देखो कि जहाँ ईरान है, सिकंदर का नाम आपने सुना होगा, उस नस्ल का नाम नहीं है। 2-4% भारत में आ गए पारसी, वो बच गए, कहाँ गए वो लोग? लेकिन इस्लाम दुनिया के अंदर 100 साल से फैला, 100 साल में मध्य एशिया को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। और भारत को जब तक उनका एक विचार है दुनिया के अंदर, दारुल हरब और दारुल इस्लाम, दारुल हरब वो देश हैं जो लोकतंत्र को मानते हैं जैसा भारत, दारुल इस्लाम वो इलाके हैं जहां इस्लाम का राज है जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब कंट्री। दोस्तों इनका उनकी एक मुहिम चल रही है, पैसा आता है, जब तक वो आखिरी काफिर को यानी कि गैर मुस्लिम को मुसलमान में कन्वर्ट नहीं कर देते। गजवाए हिंद का उनका यही नारा है और उसी के तहत वो काम करते हैं। क्या उस कन्हैया भाई ने एक उनकी बच्चे ने DP लगाने पे उसकी क्रूर हत्या इसलिए करी है कि उसके समर्थक जो 150 हिंदू होंगे अपने आप डर जाएंगे? ना तो BJP पार्टी खाने को दे रही, ना कांग्रेस पार्टी खाने को दे रही, लेकिन कम से कम उसके साथ तो रहो, उस पार्टी के साथ तो रहो जो हिंदुत्व बचाने की कोशिश कर रहा है, जो हमारे देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने ही देश में, अपने ही राजस्थान को एक तालिबान बना रहे हो, एक नया पाकिस्तान बना रहे हो, एक नया बांग्लादेश बना रहे हो। अरे मेरे भाई, अगर तुम अब भी नहीं उठे, उठना मैं बता रहा हूँ कैसे है, ओनली ऑन एक वोट। मैं नहीं कह रहा BJP पार्टी को दो, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस पार्टी को दो, यहाँ पे एक हत्या हुई है तो मैं इन नेताओं की तरह राजनीति नहीं करूँगा, मैं इन नेताओं की तरह राजनीति नहीं करूँगा कि मैं BJP से हूँ, मैं कांग्रेस से हूँ। अरे उनके घर में जाके देखो यार, उनके घर में जाके देखो क्या गुजर रही है उनके मन में। एक वीडियो वायरल हुई है जब वो अपने बाप की एक वीडियो देखेगा कि मेरे बाप को इतनी बेरहमी से मारा गया, खौफ, वो बच्चा जीते जी मर जाएगा वो बच्चा। ये सही बता रहा हूँ, अब भी अगर ये देश नहीं जाएगा भाई, इस देश को इस्लामिक होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर
इनको, इन जितने भी इस्लामिक लोगों को कहना है कि हमें देश छोड़ के भेज दो, हम देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन प्लीज़ ऐसी इतनी बुरी तरीके से मारो मत, इतनी बुरी तरीके से मारो मत यार। उसका गला काट दिया, बारिश के पानी में उसका खून बह रहा था। ये जितने भी नेता हैं आज भौंक रहे हैं, ये जितने भी नेता आज भौंक रहे हैं कि बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। अरे क्या तुमने उनके परिवार के बारे में सोचा? उन पर जो बीत रही है उनके बारे में सोचा? मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ, पैसों की मांग नहीं करता कि इनको 50 लाख दो, इनको 1 करोड़ दो, क्योंकि इंसान की जान पैसों से नहीं तोली जा सकती, लेकिन उसके बच्चे को या उसकी बीवी को एक सरकारी नौकरी जरूर दे देना। उसके पिता का जो संघर्ष था हमारे देश के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए, वो जाया नहीं जाना चाहिए। जब एक मुसलमान मरता है, 15 साल का बच्चा मरता है आतंकवाद फैला के, तो उसे शहीद कहा जाता है। लेकिन जब वो तो आतंक भी नहीं फैला रहा था यार, वो आतंक भी नहीं फैला रहा था, और ऐसे कह रहा, अरे सर 26 छुरियां 26 30, कितनी बेरहम लोग हैं यार ये, कितने बेरहम।